हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूं आप सभी का KSTV के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने ये बात सुनी है कि अगर आप गूगल के जो पिक्सल फोन्स होते हैं उनके अंदर जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है, जो कि है गूगल कैमरा या फिर जी कैम, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हो, उसे अपने स्मार्टफोन के अंदर आप इंस्टॉल करते हो, तो आपका जो स्मार्टफोन है वो 2 से 3 गुना बेहतर फोटोज ले सकता है। तो दोस्तों, इसी बात को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने पोको F1 के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल किया और इन सभी फोटोज को मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अलग अलग कंडीशंस में मैंने फोटोज खींची है, तो दोस्तों इन फोटोज को आप देखकर खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या सच में गूगल का जो जी कैम ऐप है वो बेहतर फोटोज लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सीधे सीधे हम बढ़ते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पहला सैंपल है वो लो लाइट में मैंने खींचा है एक चेस की कॉडी का। जैसे आप देख सकते हो कि लो लाइट के अंदर फोटो थोड़ा सा ब्लर हो गया है और उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इस इमेज की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गूगल कैमरा एप्लीकेशन से मैंने फोटो खींची है वो कैसे आई है। तो इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिल रही है और जो शार्पनेस है इमेज की वो भी काफ़ी बेहतर है पिछले इमेज के कंपैरिजन में। अब दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड देख लीजिए और आप ही नोटिस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों इमेजेस में। बढ़ते हैं हम अपने अगले सैंपल की तरफ। तो दोस्तों, ये जो फोटो है वो मैंने अपने घर के विंडो से खींची थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि डिटेल्स तो उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फ़ोटो काफ़ी शानदार आई है। ये जो फोटो है वो मैंने खींची है मेरे कैमरा के डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ़ोटो मैंने गूगल कैमरा एप्लीकेशन से ली थी वो कैसे आई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली इतनी ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलती है। ये भी इमेज उतनी शार्प नहीं है लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ये इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अब आप ही डिसाइड कीजिए, जब मैं आपको दोनों साइड बाय साइड इमेज बताता हूँ तो कैसी लगती है आपको, ये फैसला आपको करना है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सैंपल की तरफ। ये जो फोटो है वो काफ़ी कम लाइट में खींची हुई है, तो कम लाइट की वजह से आप देख सकते हो कि डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा है, इमेज उतनी क्लियर भी नहीं है और शार्पनेस भी उतनी अच्छी नहीं आई है इस फोटो की। अब आपको दिखाता हूँ वो फोटो जो गूगल कैमरा एप्लीकेशन से ली है। तो इंस्टेंटली देखिए आप कितनी बेहतर है ये फोटो, क्लैरिटी भी काफ़ी बढ़िया है, कम लाइटिंग होने के बावजूद भी फोटो काफ़ी क्लियर आया है और जितनी ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है उतनी ज़्यादा कैप्चर की है इस फोटो के अंदर गूगल कैमरा ने। तो दोस्तों, ये जो फोटो है वो भी रात के समय ही खींची है। इस फोटो में ऐसा है कि जो सामने से लाइट है वो सीधे सीधे कैमरा के ऊपर आ रही है और उसी वजह से जो डिटेल्स है इमेज की वो उतनी क्लियर नहीं आई है। जो ऑब्जेक्ट में लिखे हुए शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फोटो जो गूगल कैमरा से ली है। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फोटो में भी लाइट तो आ रही है डायरेक्टली लेकिन जो इमेज है वो कितनी क्लियर है, जो इमेज के अंदर लिखे हुए शब्द है वो कितने क्लियरली आप पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं हम अपने अगले सैंपल की तरफ। ये एक पेड़ का फोटो है दोस्तों। ये फोटो भी मैंने रात के समय ही ली थी, लाइटिंग काफ़ी कम थी दोस्तों। ये जो फोटो है ये एवरेज सी फोटो है मैं कहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो फोटो जो गूगल कैमरा के एप्लीकेशन से ली थी। तो ये है वो फोटो दोस्तों, देखिए आप कितनी क्रिस्टल क्लियर इमेज है दोस्तों और कितनी ज़्यादा लाइट को कैप्चर करता है गूगल कैमरा का ये एप्लीकेशन। दोनों फोटोज़ को साइड बाय साइड देख लीजिए दोस्तों और आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा फोटो अच्छा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सैंपल की तरफ। अब रात की फ़ोटोज़ बहुत हो गई, अब आपको मैं नेचुरल लाइट में ली हुई फ़ोटोज़ बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने फ़ोटो जो ली है वो सुबह के समय ली है। ये जो पहली फ़ोटो है वो काफ़ी अच्छी आई है दोस्तों, क्योंकि लाइटिंग कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है और अच्छी लाइट में जो अपना डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन आप देख सकते हो अभी जो गूगल कैमरा से ली हुई फ़ोटो है उस फोटो में जो कलर्स है पत्तों के वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। अगर हम कंपेयर करें जो पिछले इमेज के साथ तो काफ़ी शार्प भी है इमेज और कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। दोनों इमेजेस को आप साइड बाय साइड देख लीजिए और आप डिफरेंस पता कर सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले सैंपल की तरफ। ये जो फोटो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है दोस्तों, क्योंकि ये जो पौधे के ऊपर लाइट गिरी है वो बहुत ही अच्छे से कैप्चर करी है दोनों भी कैमरा एप्लीकेशंस ने। जो पोको F1 के डिफ़ॉल्ट कैमरा से मैंने खींची है फोटो वो कुछ इस तरह है दोस्तों। क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है और इमेज भी काफ़ी सुंदर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो गूगल कैमरा से खींची है वो फोटो।
दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि नेचुरल लाइटिंग है और इस नेचुरल लाइट में दोनों भी कैमरास ऑलमोस्ट इक्वल ही परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों इन सभी कैमरा सैंपल्स को देखकर तो यही लगता है कि जो गूगल कैमरा एप्लीकेशन से खींची हुई फोटोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, स्पेशली लो लाइट के अंदर अगर हम कंपेयर करें जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से खींची हुई फोटोज़ है उनके साथ। तो दोस्तों ये जो गूगल कैमरा एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करता है किसी भी स्मार्टफोन के हार्डवेयर को और इसी वजह से जो फोटोज़ है वो काफ़ी उभर के भी आती है। और अगर आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके स्मार्टफोन के अंदर तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से इस लिंक पे जाकर अपने स्मार्टफोन के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी गूगल कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बढ़िया फोटोज ले सके। और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन पसंद है या फिर जो गूगल की एप्लीकेशन है जी कैम वो ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही रोजाना वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल केएस टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। और हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए केएस टीवी।